दूसरा इसमें जो संक्रिया होती है वो संक्रिया होती है कि एंड द्वार के निर्गम पर अवस्था वन यानी उच्च अवस्था केवल और केवल उस स्थिति में होती है जब सभी निवेश अवस्था एक अर्थात उच्च अवस्था में हो। इसकी जो संक्रिया है एंड गेट की संक्रिया है उसे हम लिखते हैं जैसे वाई आउटपुट वाई इक्वल टू ए एंड बी। इस डॉट को यहाँ एंड बोला जाता है। ये जो डॉट है इस संक्रिया को एंड संक्रिया बोला जाता है। तो इसका जो प्रतीक चित्र है ये ए और बी इनपुट हो गए। एक ऐसा हम हाफ सर्किल बनाते हैं, इधर ये इनपुट हो गए और ये हो गया आउटपुट। तो ए और बी इनपुट हैं, इसकी यहाँ एंड संक्रिया हो रही है, तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो है वाई इक्वल टू ए डॉट बी। ये इसका प्रतीक चित्र हो गया। अब इसकी जो सत्यमान सारणी है यानी इनपुट क्या होंगे तब आउटपुट क्या मिलेगा, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि एंड द्वार के निर्गम पर अवस्था एक केवल और केवल उस स्थिति में प्राप्त होती है जब सब निवेश अवस्था एक अर्थात उच्च अवस्था में हो। अतः हम इसकी जो सत्यमान सारणी है वो बना लेते हैं। तो सत्यमान सारणी में इनपुट ए है, इनपुट बी है और निर्गम है वाई इक्वल टू ए एंड बी। तब यदि ए जीरो है बी जीरो है तो वाई भी हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि मान लिया कि ए उच्च अवस्था में है बी निम्न अवस्था में है तो भी परिभाषा से आउटपुट है वो निम्न अवस्था में प्राप्त होगा। इसी प्रकार ए निम्न अवस्था में है बी उच्च अवस्था में है तो निर्गम भी निम्न अवस्था में होगा। अब यदि ए भी उच्च अवस्था में है बी भी उच्च अवस्था में है तो इसका आउटपुट है वो उच्च अवस्था में होगा। इस प्रकार ये इसकी सत्यमान सारणी तैयार हो गई है एंड गेट की। अब इसका जब यदि हमें समतुल्य विद्युत परिपथ बनाना हो तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। इसका विद्युत परिपथ से ये होगा, ये हमने बैटरी बना ली, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव सिरा है, यहाँ एक स्विच है, यहाँ दूसरा स्विच है और यहाँ ये बल्ब लगा हुआ है। ये S1 स्विच है, ये S2 स्विच है, ये बैटरी है। यदि इस परिपथ में S1 खुला है यानी कि S1 निम्न अवस्था में है जीरो अवस्था में है तो बल्ब नहीं जलेगा। S1 खुला है S2 खुला है यानी A जीरो B जीरो, S1 जीरो S2 जीरो दोनों निम्न अवस्था में है तो बल्ब नहीं जलेगा, प्रकाशित नहीं होगा, अर्थात बल्ब है वो निम्न अवस्था में होगा। अब यदि एक स्विच हम S1 को बंद कर दें, ऑन कर दें, S2 को ऑफ कर दें तो भी बल्ब ऑफ रहेगा। इसी प्रकार S1 को ऑफ S2 को ऑन कर दें तो भी बल्ब ऑफ रहेगा। यदि दोनों को ऑन करेंगे, दोनों को टच करेंगे यानी दोनों उच्च अवस्था में होंगे तभी बल्ब प्रकाशमान होगा। तो ये समतुल्य परिपथ हो गया। एंड गेट का, एंड गेट का ये समतुल्य परिपथ है। अब हम एंड के बाद और द्वार की बात करें, ओ आर, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक निवेश होते हैं तथा निर्गम केवल और केवल एक ही होता है। दूसरा है इसका इनपुट और आउटपुट में क्या संबंध है उसकी बात कर लें। जब भी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक निवेश उच्च अवस्था में हो यानी कि बहुत सारे इनपुट हो, दो तीन चार पांच हो, यदि एक भी इनपुट
उच्च अवस्था में है तो ओर द्वार के निर्गम पर अवस्था एक प्राप्त होगी, यानी कि आउटपुट उच्च होने के लिए, एक अवस्था में प्राप्त होने के लिए कम से कम एक निर्गम उच्च अवस्था में होना चाहिए। और गेट की जो संक्रिया है उसे परिभाषित करते हैं वाई इक्वल टू ए और बी, यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है इसे और बोला जाता है, संक्रिया और संक्रिया बोला जाता है, ये है और संक्रिया। अर्थात वाई इक्वल टू ए और बी के तुल्य है। इसका जो प्रतीक चित्र है, इसका प्रतीक चित्र इस प्रकार से बनाया जाता है, ये ट्रायंगल टाइप होता है, थोड़ा सा अंदर से इसको बेंड कर दें, ये इनपुट है ए और बी, आउटपुट है ए और बी। अब इसकी अपन बनाते हैं, हम लोग इनकी सत्यमान सारणी बनाएंगे। निवेशी हो गए ए और बी, ए बी तथा निर्गम हो गया वाई इक्वल टू ए और बी, और संक्रिया है। तो इसकी परिभाषा से क्या है कि जब भी एक या एक से अधिक निवेश उच्च अवस्था में है तो आउटपुट है वो उच्च अवस्था में प्राप्त होगा, अतः इसकी हम सत्यमान सारणी बनाते हैं। यदि ए जीरो है बी जीरो है, यानी दोनों ही इनपुट निम्न अवस्था में हैं, तो आउटपुट है वो भी क्या होगा, निम्न अवस्था में प्राप्त होगा। अब यदि इनपुट ए उच्च अवस्था में है बी निम्न अवस्था में है, तो परिभाषा से निर्गम है वो क्या होगा, उच्च अवस्था में प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि इनपुट ए है वो निम्न अवस्था में है, इनपुट बी है वो उच्च अवस्था में है, तो आउटपुट है वो भी क्या होगा, उच्च अवस्था में प्राप्त होगा। यदि दोनों ही इनपुट उच्च अवस्था में हैं, एक एक की स्थिति में है, तो आउटपुट है वो भी एक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये और द्वार के लिए सत्यमान सारणी है और गेट के लिए, यानी कि आउटपुट सिर्फ निम्न अवस्था में तभी प्राप्त हो रहा है जब सभी टर्मिनल ए और बी निम्न में हैं। यदि कोई एक भी उच्च अवस्था में है तो हमें अवस्था है वो ऊंची प्राप्त होती है। इसका समतुल्य विद्युत परिपथ बना लेते हैं, समतुल्य विद्युत परिपथ, यानी कि ऐसा विद्युत परिपथ जो और गेट के नियमों का पालन करता है। तो ये हमने बन बैटरी ली और यहाँ पर हमने दो स्विच लगा दिए हैं। ये स्विच S1 है, ये स्विच S2 है, यहाँ ये हमने बल्ब लगाया है। ये बैटरी है। यदि स्विच S1 और S2 दोनों ही ऑफ अवस्था में है, यानी जुड़े हुए नहीं हैं, ऑफ हैं, तो परिपथ से धारा प्रवाह नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि ए जीरो है बी जीरो है तो वाई जीरो है, यानी बल्ब नहीं जलेगा। अब S1 को हमने ऑन कर दिया तो जो करंट है वो S1 स्विच वाले सर्किट से प्रवाहित होकर बल्ब को प्रकाशित कर देगी, बल्ब प्रकाशमान हो जाएगा। यानी S1 यदि एक अवस्था में है, S2 जीरो अवस्था में है, तो भी बल्ब वन अवस्था में है। अब नेक्स्ट हम S1 को तो ऑफ कर दें, S2 को ऑन कर दें, तब भी क्या होगा, बल्ब प्रकाशमान होगा, यानी वन अवस्था में है। जब दोनों स्विच को ऑन कर दिया तो भी करंट फ्लो हो रही है और बल्ब प्रकाशमान है। तो इस प्रकार का ये जो परिपथ है ये और गेट के समतुल्य विद्युत परिपथ है। तीसरा मूलभूत गेट है वो नॉट गेट है। इसमें एक निवेशी तथा एक निर्गम होता है। इसमें और जो गेट पर हैं उनमें दो या दो से अधिक निवेशी हैं, एक निर्गम है, जबकि नॉट गेट में सिर्फ एक निवेशी है और एक ही निर्गम होता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि इसके निर्गम पर अवस्था निवेशी अवस्था से विपरीत प्राप्त होती है।
अर्थात यदि निर्गम उच्च है तो निवेशी निम्न है, या निर्गम या निवेशी उच्च है तो निर्गम निवेशी उच्च निर्गम निम्न, निवेशी निम्न निर्गम उच्च। यानी इनपुट और आउटपुट की जो अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत प्राप्त होती हैं। इधर एक साइड में निम्न है तो दूसरी साइड में उच्च प्राप्त होता है, इस कारण इसे प्रतिलोमक भी कहते हैं, क्योंकि 0 का प्रतिलोम 1 और 1 का प्रतिलोम 0। इसकी जो संक्रिया है, नॉट गेट की संक्रिया है, उसे हम y इक्वल टू ए नॉट, ये जो ए बार लगाते हैं ये नॉट का प्रतीक है, y इक्वल टू ए नॉट। इसका जो प्रतीक चित्र है, इसके प्रतीक चित्र में एक इनपुट है, एक आउटपुट है, एक ट्रायंगल छोटा त्रिभुज बनाकर उसके आगे एक बबल एक सर्कल बना देते हैं, तो ये जो प्रतीक चित्र हो गया वो नॉट गेट का हो गया। इसकी सत्यमान सारणी भी बना लेते हैं हम, सत्यमान सारणी। निवेशी ए है, निर्गम वाई इक्वल टू ए नोट है या ए बार है, तो जब निवेशी 0 है तो निर्गम उच्च एक अवस्था में हो रहा है, जब निवेशी 1 है तो निर्गम है वो निम्न अवस्था में प्राप्त हो रहा है। अब इसका समतुल्य विद्युत परिपथ बना लेते हैं। तो इसके समतुल्य विद्युत परिपथ में ये बैटरी ली हमने, यहाँ बल्ब लगा लिया, तो ये बल्ब प्रकाश प्रकाशित होता रहेगा, और इधर लगा दिया हमने स्विच। यदि ये स्विच से एस खुला है यानी कि 0 अवस्था में है, तो धारा इस बल्ब से प्रवाहित हो रही है और बल्ब है वो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमय है, प्रकाशमान है। जब ज्यों ही हम इसको बंद कर देंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बल्ब का प्रतिरोध अधिक होने के कारण धारा है वो इस सर्किट से गुजर जाएगी और बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। यानी ज्यों ही इसको उच्च अवस्था में किया, ऑन किया, तो बल्ब ऑफ हो गया। तो इस प्रकार का जो परिपथ है वो नॉट गेट का समतुल्य विद्युत परिपथ कहलाता है। सबमिटेड बाई सुरेश कुमार चाहर, सहायक आचार्य, SVGC खेतड़ी।